किसी ने कहा है कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो लेकिन 4 दिन की। अगर आपने टैटू करा लिया था वो पता चलेगा कितना टाइम लगता है इसको ठीक होने में। अगर आप लेजर करा रहे हैं उसको ठीक कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि आप एक सिटिंग कर लेंगे तो टैटू आपका गायब हो जाएगा। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितने थिक लाइंस बनवाई हुई है, कितना पिगमेंट अंदर है। और आज टैटू के बारे में एक ऐसी चीज बताएंगे कि अगर लेजर न भी किया जाए तो क्या इसको मिटाया जा सकता है या कम से कम कुछ हल्का किया सकता है। और ये बहुत इनोवेटिव चीज है, मतलब ये ऐसी चीज है जो कहीं नहीं मिलेगी। तो सवाल ये है कि अगर टैटू करा लिया है तो क्या कोई ऐसी क्रीम होती है जिससे मिट जाए? और दुनिया की किसी किताब में यह नहीं लिखा होगा और कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा। एक्चुअल में ये कैसे हटेगा उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में टैटू का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो जो ब्लैक कलर के पिगमेंट होते हैं या जिस भी कलर से किया जा रहा है उनके पार्टिकल साइज थोड़े बड़े होते हैं और उनको स्किन में डर्मिस में डाल दिया जाता है। स्किन के दो पार्ट हैं, एक है एपिडर्मिस जिसमें लेयर बनती है छोटी रहती है, नीचे का पार्ट डर्मिस है जिसमें कि कोलेजन इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, सेल्स होती हैं, हेयर रूट्स होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं। वहाँ पे अगर कोई पिगमेंट हमने डाल दिया तो वो वहाँ फंस जाता है और फिर वो ऊपर निकल कर शेड नहीं हो सकता। पर हम देखते हैं कि टैटू धीरे धीरे फेड होते हैं, तो कैसे फेड होते हैं? तो हमारी जो नसें होती हैं ब्लड वेसल्स, उसमें वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, तो ये आते हैं और उन ब्लैक कलर के पिगमेंट को खा लेते हैं और फिर वो उनको लेकर के मूव करते हैं और वापस ब्लड में आते हैं। ब्लड के जरिए वो स्पीन में पहुंचते हैं, वहां जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उसी के साथ पिगमेंट हमारा बॉडी से निकलता जाता है, स्किन से क्लियर होता है। तो दो तरीके हैं उसको हटाने के, एक तो लेजर लाइट डालते हैं जिससे कि पिगमेंट के जो बड़े पार्टिकल हैं छोटे छोटे पीसेज में टूट जाए, ताकि ये जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनको जल्दी लेकर के रिमूव कर सके ब्लड के जरिए। पर अगर हमने लेजर नहीं कर रहे हैं तो कैसे हटा सकते हैं? किसी तरीके से अगर हम न्यूट्रोफिल्स को, WBC को स्किन में बुलाएं टैटू के आसपास, ताकि वो टैटू के पिगमेंट को खा लें, और इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो अगर आप टैटू वाले स्किन में बार बार इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेंगे, इन्फ्लेमेशन का मतलब इरिटेशन, इचिंग, रेडनेस हो जाए अगर किसी तरीके से, तो वहाँ ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स आएंगी, वो वाइट ब्लड सेल्स उस टैटू के पिगमेंट को भी डिस्टर्ब करेंगी, डिस्ट्रॉय करेंगी और खाएंगी। खाने के प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस, छोटे पार्टिकल्स को व्हाइट ब्लड सेल्स पूरा एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर मूव करके ले जाती हैं। तो कुछ क्रीम ऐसे होते हैं जिनका कुछ पर्पज़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बने कि स्किन में इरिटेशन करें, क्योंकि कुछ बीमारियां स्किन को इरिटेट करने से ही ठीक हो जाती हैं। और ऐसे क्रीम बना मैं डेरोबेन, लेकिन इसको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लगाना, क्योंकि स्किन को बर्न करता है, जला ज़्यादा लगा लेंगे तो स्किन में जलन होने लगेगी, स्किन ब्लैक पड़ जाएगी, इरिटेशन ज़्यादा हो जाता है। बहुत थोड़ी सी मात्रा टैटू के ऊपर लगाना है, थोड़ा सा इरिटेशन होना चाहिए, थोड़ी सी रेडनेस होनी चाहिए, और रोज़ रोज़ नहीं लगाना है, हफ्ते में एक हाथ बार लगा लिया। ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा, यहाँ तक कि हम लोग जब लेज़र से हटाते हैं तो वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है। लेज़र से पार्टिकल टूटेंगे, फिर WBC उस पिगमेंट को ले जाएंगे, तब जाके टैटू फेड होगा। तो टैटू कई महीनों में फेड होता है। क्रीम से आप करने जाएंगे तो पूरी तरह से नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे फेड हो जाएगा। और अगर थोड़ा फेड हो जाने से आपका काम चल जाता हो तो ये अपना सकते हैं, थोड़ा सा क्रीम लगाइए 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते, इरिटेशन जब इरिटेशन खत्म हो जाए तो फिर से क्रीम लगाइए। तो हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 1 बार सिर्फ क्रीम लगाइए, ऐसा 6 महीने साल 2 साल करते रहिए, तो छोटे मोटे निशान और धीरे धीरे फेड होते हुए दिखेंगे आप। ये बात दुनिया में कहीं नहीं है, इनोवेटिव बात है, ये दुनिया की किसी किताब में, इंटरनेट में, गूगल भी नहीं बता पाएगा ये, और किसी स्किन के डॉक्टर से पूछोगे वो भी नहीं बताएगा। और बहुत सारे लोग टैटू में मल्टीपल कलर के बनवा लेते हैं। तो एक बार किसी ने ऐसे टैटू बनवाया था, उसमें गुलाब का फूल था, गुलाब के फूल में वो जो उसकी डंठल थी वो ब्लैक थी, पत्तियां हरी थी, फूल तो ऑब्वियसली लाल होता है। अब उस व्यक्ति को लाल से एलर्जी थी, तो कुछ दिन बाद वो लाल फूल और लाल हो गया और निखर गया, खिल गया और खुजली होने लगी उसमें। और फिर वो पेशेंट आया तो उसने बताया कि ये जो हमने टैटू बनाया था सब ठीक था, कुछ इन्फेक्शन हो गया, तो हमने बताया कि नहीं, ये जो रेड ऑक्साइड आपका, इससे आपको एलर्जी है, और ये लाल पिगमेंट जब तक आपकी स्किन में रहेगा तब तक इचिंग होगी। और अगर हम इसे लेज़र से मिटाने जाएंगे, एक और प्रॉब्लम है लेज़र में, क्योंकि उसकी वेवलेंथ फिक्स होती है, तो हमें एक लेंस लगाना पड़ेगा, ब्लैक के लिए, हरे के लिए अलग लेंस लगाना पड़ेगा और लाल के लिए अलग। ब्लैक मिटाना फिर भी आसान है, लाल मिटाना और मुश्किल है। तो जहाँ ब्लैक पिगमेंट 5-6 सिटिंग में गायब होगा, तो लाल पिगमेंट और दिनों तक रहेगा, और जब तक आपकी स्किन में रहेगा तब तक वहाँ पर इचिंग होगी।
तो कभी भी मल्टीपल कलर का टैटू तो बनाना ही नहीं चाहिए, और ब्लैक भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको बहुत मन कर रहा है तो इस तरह के डिज़ाइन सेलेक्ट करो जिसमें कि कम इंक यूज़ होती हो, फाइन लाइंस हो, बहुत थिक भर भर करके। ज़्यादा ब्लैक वाले टैटू तो कभी नहीं बनाना चाहिए। फॉरनर्स को देखते हैं हम लोग प्रोग्राम में, जो पूरे बॉडी वाले होते हैं, लंबे एरिया वाले में होते हैं, तो एक तो बनाना पेनफुल है, दूसरा कभी आपका मन हुआ कि इसको हटाना है हमें, तो इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अगर इंक ज़्यादा होगा। एक और आसान तरीका है, लेकिन इस तरीके में निशान बन जाएगा कि उसमें पूरे के पूरे टैटू के एरिया को हम एक्साइज कर देंगे, उस बचे हुए गैप को, स्किन को बीच में खींच करके स्टिच कर देंगे, पर एक बड़ी लाइन बनेगी, और जितना बड़ा टैटू आपका उतनी बड़ी लाइन बन जाएगी, स्टिच मार्क की वो हमेशा रहेगी। तो एक तरीका है कि सर्जरी करके हम हटा सकते हैं। एक और सवाल लोग पूछते हैं कि किस एज में बनाना चाहिए। तो क्योंकि बॉडी ग्रो करती है 18 साल तक, ठीक है, हाइट भी थोड़ा बढ़ती है, 18 के बाद भी थोड़ा बहुत हाइट बढ़ती है, तो अगर आपने कम एज में टैटू बना लिया है तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाएगा। तो एक पेशेंट ऐसा आया था, उसने शेर बनाया हुआ था, फिर वो अभी देखने में बंदर जैसा लग रहा था, उसको हटाना था क्योंकि उसकी शक्ल बदल गई थी शेर की। तो कभी भी आपकी कम एज, अच्छा कम एज वालों को ही एक्साइटमेंट होता है कि हम क्या करें क्या करें, कुछ करें तो हम टैटू बनवा लेते हैं। कम एज है तो कभी मत बनवाइए, 25 साल की उम्र तक कोई टैटू बनाने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि एज बढ़ने के साथ, और गर्ल्स के साथ एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, अगर वेट बढ़ता है आपका तो बॉडी स्ट्रेच होगी अलग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हाइट बढ़ती है कम एज से तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में टैटू भी मोटा हो जाता है। आपने बहुत सुंदर सी पतली लड़की बनाई है, वो भी आप मोटे हो तो वो भी मोटी हो जाएगी। तो कई बार ड्राइंग जो है डिफॉर्म हो जाती है, इसलिए नहीं बनाना चाहिए। कई बार पिगमेंट से एलर्जी होती है, इसलिए नहीं बनाना चाहिए। और कई बार हम किसी एक चीज़ पर टिके ही कहाँ रहते हैं, हमारी पसंद भी बदलती है, तो फिर हमें लगता है कि नहीं वो तो हो गया था तो अब तो अच्छा नहीं लग रहा है तो मिटाना है। कई बार आपने नाम किसी का लिखवा लिया है, तो कहाँ कोई हमेशा रहता है, तो फिर अब आपको उसका नाम मिटाना है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए कि टैटू बनाए कि नहीं बनाए। मेरी एडवाइस तो ये कि नहीं बनाना चाहिए, पर फिर भी आपने सोच लिया कि नहीं हमें बनाना ही है, तो एज का एक फैक्टर ध्यान में रखिए, दूसरा डिज़ाइन फैक्टर ध्यान में रखिए, ऐसे डिज़ाइन सेलेक्ट करिए जिसमें कम इंक हो, है ना, फाइन लाइंस हो, ताकि कभी आपका मूड हो इसको बदलना है, किसी का नाम लिखवाना है तो बारीक रेखाओं से लिखवाओ ताकि मिटाना आसान हो जाए। इंसान का जो मूड है वो जो है वो चेंज होता रहता है, टैटू को लेकर के बनाने संबंधित चेंज होता ही है, मिटाने संबंधित भी होता है, मिटाएं नहीं मिटाएं क्या करें इसके ऊपर, कोई दूसरा तो ना बनवा लें, है ना। तो मूड एक्चुअली होता क्या है, इंसान का दिमाग बंदर का दिमाग होता है, ठीक, उसका इतना पोर्शन जो है वो ह्यूमन माइंड है, जो कि हम कहते हैं कि हम हैं, बाकी इतना बड़ा पार्ट जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं बंदर का दिमाग। तो हमारा मूड भी बंदर की तरह चेंज होता है, किसी बंदर को आप अटैक करने जाओ तो वो आपके ऊपर अटैक करेगा, कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट है तो आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, कोई आपकी तारीफ करेगा तो वो भी आपको अच्छा लगने लगता है। तो हमारा मूड एक्चुअली में कॉपी करता है, कॉपी मशीन है। तो होता क्या है कि अगर किसी ने कुछ कहा तो अगर उसने बुरा कहा तो हम बुरा मानना शुरू कर देते हैं तुरंत, ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, हमारे सेल्फ कंट्रोल में नहीं होता, जबकि होना यह चाहिए कि इंसान का मूड जो है वो किसी वेल ट्रेंड हॉर्स की तरह होना चाहिए, आर्मी के घोड़े की तरह, कि इस डायरेक्शन में दो ही स्टेप चलना है, इसी स्पीड से चलना है, यहाँ आके रुक जाना है, पर इतना सेल्फ कंट्रोल कहाँ होता है। और कुछ लोगों का दिमाग तो भैंस की तरह होता है, भैंस अगर चलना शुरू हो जाए तालाब की तरफ जा रही तो आप रोक नहीं सकते, तो बुरा मानना शुरू कर दिया, आप मानते जा रहे हैं मानते जा रहे हैं, और गई भैंस पानी में, उसके बाद एक बार बुरा मान गया तो फिर वो बहुत, अब एक बार भैंस पानी में चली गई तो आप उसको वहां से निकाल के ला नहीं सकते। और लोग बड़े गर्व से उसको प्राउड करते हैं कि मैं एक बार उससे बात करना बंद करता हूँ तो जीवन भर बात नहीं करता, फिर तुम्हारे पास भैंस का दिमाग है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए इंसान को कि मुझे कब कितना बुरा मानना है, मुझे कितना गुस्सा करना है, मुझे कब गुस्सा करना बंद कर देना है कि नहीं। ये क्या कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता तो मैं भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ, इसमें कौन सी खासियत है। ये तो आपने बंदर के हिसाब चल रहे हो, बंदर तो कॉपी करता ही है। अगर आपके अंदर अपनी कोई प्रॉपर्टी है, अपनी कोई क्वालिटी है, तो कोई कैसा भी व्यवहार करे आपकी क्वालिटी तो मेंटेन रहनी चाहिए ना, कि जैसा वो वैसा हम हो जाएंगे।